अगर आप ये खबर वॉइस ऑफ पानीपत के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक शेयर और फॉलो जरूर करें। हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ पानीपत में। मैं हूं आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज सुबह की ताजा हेडलाइन की। दिल्ली पैलन नहर में मिला मासूम का शव, पुलिस ने शव निकाल कर रखवाया शव गृह में, फिलहाल बच्चे की नहीं हुई पहचान। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने बचे हुए प्लाट की ईनीलामी करने का लिया फैसला। सेक्टर 18 में कमर्शियल प्लाट की 29 जुलाई को होगी नीलामी, 27 जुलाई को सुबह 10 बजे करवाया जा सकता है रजिस्ट्रेशन। पानीपत में कल मिले कोरोना के 11 नए मरीज, राहत की खबर, 13 ने जीती कोरोना से जंग। पानीपत में अब एक्टिव केस हुए 438। सनोली रोड स्थित हैदराबादी अस्पताल में लगाया गया निःशुल्क शिविर, दिल के 110 मरीजों को दिया गया परामर्श। होम आइसोलेशन में रखे गए कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को अब निशुल्क दिया जाएगा पोर्टेबल प्लस मीटर। सनोली रोड स्थित हुई डकैती के मामले में 5 आरोपियों को CI3 ने भेजा जेल, अब ज्वेलरों से होगी पूछताछ। विधायक महिपाल ढांडा ने गांव बराना का दौरा करके सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, ग्रामीणों ने की तालाब के पानी की निकासी व नाले की सफाई करवाने की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहराना गाँव की छात्रा कृतिका से मन की बात कार्यक्रम के तहत की सीधी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृतिका से बात कर दी शुभकामनाएं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में मेडिकल में कृतिका ने हासिल किए 96% अंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हुए कृतिका ने अपनी इस सफलता का श्रेय दिया अपनी मां को, कृतिका ने कहा बनना है डॉक्टर। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।